हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं योग कॉइल के बारे में। योग कॉइल कैसे चेक किया जाता है, योग कॉइल में कौन सा तार वर्टिकल के लिए होता है, कौन सा कॉइल हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। कोई भी योग कॉइल हो या तो नॉर्मल टीवी का हो या फिर अल्ट्रा स्लिम टीवी का हो, हम इस वीडियो में आपको थोड़ा सा छोटा सा जानकारी देने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वीडियो को देखना पसंद नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। फ्रेंड्स, ये है मेरा 14 इंच नॉर्मल टीवी का योग कॉइल। तो फ्रेंड्स, हम इसको निकाले थे कल, तो हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बना दे। तो फ्रेंड्स, इसको पहले चेक करना बताते हैं। तो फ्रेंड्स, चेक करना इसको नॉर्मल है। आप किसी भी मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखिए और देखिए इसको। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल के लिए, देखिए बीप बज रहा है। और ये रहा मेरा वर्टिकल के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये इस तरीके से बीप का साउंड दे तो आप समझ सकते हैं कि अभी मेरा कॉइल सही है। और कभी कभार होता है कि ये बीप का साउंड नहीं देता है, तो आप समझ लीजिए वो कॉइल में थोड़ा सा डैमेज है। या फिर कभी कभी होता है कि ये बताएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, लेकिन वो अंदर से शॉर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, वो तो खैर बात की बात है, हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टीवी हो, कोई भी टीवी नहीं, लेकिन ज़्यादातर टीवी में पीछे साइड जो दो पॉइंट होता है वो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, और आगे साइड जो तार होता है, जो पॉइंट होता है, ये वर्टिकल के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको कैसे पहचाने? कभी कभार होता है अल्ट्रा स्लिम टीवी में ज़्यादातर होता है कि ये पॉइंट यहाँ ना होकर तीन पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, या फिर कभी कभार होता है कि दो पॉइंट इधर होगा, दो पॉइंट इधर होगा। अल्ट्रा स्लिम टीवी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम किस तरह से पहचाने कौन सा मेरा वर्टिकल के लिए है और कौन सा हॉरिजॉन्टल के लिए है? तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखिए और इसको चेक कीजिए। देखिए इसका वैल्यू, देखिए ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल के लिए। इसका ओम्स देखिए, 7.67 ओम्स बता रहा है। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये रहा मेरा वर्टिकल के लिए। ये रहा मेरा, देखिए इसका वैल्यू 16 ओम्स बता रहा है। देखिए वर्टिकल का वैल्यू 16 ओम्स बता रहा है और हॉरिजॉन्टल का वैल्यू 7 ओम्स बता रहा है। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी योग कॉइल हो, किसी भी टीवी का हो, नॉर्मल हो, अल्ट्रा स्लिम हो, या कोई भी टीवी हो, किसी भी टीवी का योग कॉइल हो, उसका हॉरिजॉन्टल का वैल्यू कम बताएगा वर्टिकल के वैल्यू से। फ्रेंड्स, आप सुनिए अच्छा से हम क्या बोल रहे हैं। कोई भी टीवी हो, या तो अल्ट्रा स्लिम हो या फिर नॉर्मल हो, हॉरिजॉन्टल का वैल्यू कम होगा वर्टिकल के वैल्यू से। आप किसी भी टीवी को चेक कर लीजिए और इसी तरीके से आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी टीवी हो। देखिए इसका वैल्यू, हॉरिजॉन्टल का वैल्यू 7.78, और ये रहा इसका वैल्यू 15-16 के करीब आ रहा है। तो देखिए ये रहा मेरा वर्टिकल और ये रहा हॉरिजॉन्टल। तो फ्रेंड्स, कभी कभार नए लोग फंस जाते हैं, या तो नॉर्मल चाइना किट लगाते समय उस टाइम लोग फंस जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल का वायर कौन सा है और वर्टिकल का वायर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप पहचान सकते हैं, वो चाहे कोई भी टीवी का किट हो, टीवी का योग कॉइल हो, आप और उसको अच्छी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं बिना डरे। तो फ्रेंड्स, यही छोटा सा टॉपिक था, ये रहा मेरा योग कॉइल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।